नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और कंप्यूटर जीके की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर जीके के अंतर्गत यह हमारा तीसरा वीडियो होगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से भी जा करके आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग इंटरनेट, WWHTTP क्या होता है, ईमेल क्या होता है, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि लैन, मैन, वैन, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, और आप लोगों का रिस्पॉन्स ही बताएगा कि आगे कंप्यूटर पर और वीडियो अपलोड मुझे करनी है या नहीं करनी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। और सबसे जरूरी बात कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे, आइए इसके विकास क्रम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंटरनेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो आपका इंटरनेट वर्ल्ड है, यह दो वर्ल्ड से मिलकर के बना है। एक तो आपका है इंटरनेशनल और दूसरा आपका है नेटवर्क, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्क को आपस में जोड़ा गया है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट के विकास क्रम के बारे में बात करें तो आपको ये याद रखना है कि इंटरनेट मुख्य रूप से केबल या टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए कंप्यूटरों की ऐसी एक श्रृंखला होती है पूरे विश्व स्तर पर, जिसके जरिए किसी भी प्रकार के आंकड़े को, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को या किसी भी प्रकार के डेटा को तत्काल प्रेषित किया जा सकता है, यानी कि भेजा जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपके कंप्यूटर हो गए जो कि आपका इंडिया में है, यहाँ पर कोई कंप्यूटर जापान में है। तो अगर ये दोनों कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो हम किसी भी प्रकार के डेटा को यहाँ से इस स्थान पर आसानी के साथ में भेज सकते हैं। तो ये सुविधा हमें देता है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि सबसे पहले इसका उद्भव कहाँ पर हुआ, तो 1960 में अमेरिका का जो प्रतिरक्षा विभाग था उसका मुख्यालय था पेंडान में। तो पेंडान में एक हमारा रिसर्च सेंटर था जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। इसके द्वारा उस समय इसकी शुरुआत की गई थी, हालांकि यह चला नहीं था, लेकिन सबसे पहले 1960 में अमेरिका के इसी प्रतिरक्षा विभाग के द्वारा इंटरनेट के ऊपर कार्य किया जाना प्रारंभ किया गया था। और फाइनली पहला जो नेटवर्क था जिसका नाम था अप्रानेट, वह 1 नवंबर 1969 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य में स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, शुरुआत इसकी हो गई थी 1960 में ही, लेकिन जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था ये आपका था अप्रानेट, जो कि कहाँ पर बना था, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य में इस नेटवर्क को स्थापित किया गया था। तो यहीं से हमारा इंटरनेट धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ता गया। इंटरनेट के बाद में अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जब हम लोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर आपके घर में किसी अन्य कमरे में है। तो आपने क्या किया, किसी माध्यम से हो, अगर आपने इन दोनों कंप्यूटर को जोड़ दिया इस प्रकार से कि इस कंप्यूटर के डेटा को आप इस कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इस कंप्यूटर के डेटा को आप इस कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है उसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका होता है लैन, दूसरा आपका होता है वैन, तीसरा आपका होता है मैन और चौथा आपका होता है VPN। तो इन सब के बारे में चलिए अब हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैन के बारे में। तो लैन का आपको सबसे पहले फुल फॉर्म याद होना चाहिए, इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है कि ये केवल हमारे आसपास के एरिया को जोड़ता है।
तो लैन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लैन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक प्रकार का ऐसा नेटवर्किंग होता है, यानी कि कंप्यूटरों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वह हमारे एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ के जो सारे कंप्यूटर होंगे वह आपस में जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर आपके कॉलेज में या किसी कार्यालय में आपस में जुड़े होते हैं वह मुख्य रूप से लैन के माध्यम से ही जुड़े होते हैं। लैन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से इसमें कोएक्सियल केबल होता है या फिर ऑप्टिक केबल होता है, जिनके माध्यम से इनको आपस में जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक कंप्यूटर है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, तो इनको इसी कोएक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। तो ये हमारा होता है लैन। लैन के बाद में अगला हमारा है वैन। तो वैन के नाम में स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि इसमें कहा जा रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि यह हमारे दूर स्थित कंप्यूटरों को भी आपस में जोड़ता है। तो यहीं से आप इसको समझ सकते हैं। मुख्य रूप से जब भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर स्थित कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं वैन। यानी कि अगर आप तुलना करेंगे लैन की, वैन की तुलना करेंगे आप लैन से, तो आप ये पाएंगे कि जो वैन होता है यह दो या दो से अधिक लैन को भी जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हमारा विश्वविद्यालय है, इसके कई सारे कॉलेज हैं। क्या हैं? कई सारे कॉलेज हैं। तो क्या होगा, ये जो कॉलेज होंगे आपस में ये जुड़े होंगे लैन से, यानी कि कॉलेज में जो सारे कंप्यूटर होंगे आपस में लैन से जुड़े होंगे, इसमें भी लैन से जुड़े होंगे, इसमें भी लैन से जुड़े होंगे, लेकिन ये जो सारे लैन हैं ये जुड़े होते हैं यूनिवर्सिटी से, यानी कि विश्वविद्यालय से। तो इस प्रकार से कॉलेज आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर लैन में, और इनसे जुड़े हुए हैं वैन से। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी के माध्यम से इन कॉलेज के डेटा को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाता है वैन। वैन के बाद में अगला हमारा होता है मैन, जिसे हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो भी हमारी मेट्रोपॉलिटन महानगर होते हैं वहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं या पूरे शहर में जो डेट जिस नेटवर्क के माध्यम से चीज़ों को जोड़ा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं मैन की, तो यह भी हमारा लैन से बड़ा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे जो छोटी इकाई होती है कंप्यूटर नेटवर्क की वह आपकी लैन ही होती है। और इसके बाद में आखिरी हमारा होता है VPN, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब यहाँ पर जो मैं आपको फुल फॉर्म सारे बता रहा हूँ, ये फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे कई बार परीक्षाओं में फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। वैसे कंप्यूटर पर आगे एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग केवल कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी शब्दावलियाँ हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो VPN के बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से एक हमारा आभासी प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसके माध्यम से सारी चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है। मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं VPN। क्या कहते हैं इसे हम? VPN। तो ये हमारे चार प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क हो गए। आई होप आपने चारों को अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पर आइए, समझना आपके लिए आवश्यक है। प्रोटोकॉल को अगर हम लोग कहें तो यह मुख्य रूप से एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रोटोकॉल को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका होता है TCP, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा आपका होता है IP, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस के बारे में आपने सुना होगा, उसी से जुड़ा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि TCP की बात करते हैं, तो TCP का काम क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारे इंटरनेट पे जानकारियाँ होती हैं वह एक पैकेट के समान होती हैं, यानी कि पैकेटों के रूप में ये उपलब्ध होती हैं। तो TCP क्या करता है कि इन सूचनाओं के पैकेट बनाता है, यानी कि कोई डाटा अगर आप इंटरनेट पे भेजेंगे तो TCP क्या करेगा, उसके पैकेट बनाएगा, उन्हें व्यवस्थित करेगा और उन्हें एक प्रकार से क्रम में लगाएगा, और इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि कोई भी सूचना आपकी गुम ना होने पाए। यानी कि इंटरनेट पे सारी सूचनाओं को रखना, उसे व्यवस्थित करना, ये सारी जिम्मेदारी होती है हमारी TCP की।
और इसके बाद में जो हमारा आईपी होता है, आईपी मुख्य रूप से क्या होता है कि जब एक पैकेट भेजा जाता है कहीं से तो उसे वह दे देता है आईपी एड्रेस, यानी कि एक उसको पता दे देगा जिसके माध्यम से वह डाटा किसी दूसरे स्थान पर भेजी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो हमारा टीसीपी होता है यह मुख्य रूप से सूचनाओं को एकत्रित करता है, और आईपी का काम होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो टीसीपी हमारा होता है यह सारी डेटा को अपने पास में रखता है पैकेटों के रूप में, और जब इसको निर्देश दिया जाता है तो आईपी क्या करता है कि इसमें से जो काम की सूचना होती है उसको उठाता है और जहाँ पर इसे भेजना होता है उसे उस स्थान पर भेज देता है। तो ये हमारा हो गया प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, इनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है एफटीपी, जिसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग किया जाता है एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में फाइलों को ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ना कि एक कंप्यूटर से। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने को हम लोग एफटीपी नहीं कहते हैं। जब आपके पास एक पूरा कंप्यूटर का नेटवर्क हो और उस कंप्यूटर नेटवर्क से आप दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क को कोई फाइल भेजते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एफटीपी या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी प्रकार से एक हमारा होता है इथरनेट। इथरनेट क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने अगर अपना लैपटॉप देखा होगा या अपने कंप्यूटर को देखा होगा तो वहाँ पर आपको एक यूएसबी पोर्ट मिलता है और एक आपको इथरनेट पोर्ट मिलता है। इथरनेट यानी कि जहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे रिसीवर होते थे फ़ोन के उनकी केबल को हम लगा सकते हैं। तो इथरनेट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर को जब हम लोग आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क कार्ड का प्रयोग करते हैं तो इसी कार्ड को हम लोग इथरनेट कार्ड कहते हैं, और इसका प्रयोग लैन में, मैन में, वैन में, सारे में किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इसका लैन में। मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी लैन में आपको केबल के बारे में बताया था वह केबल मुख्य रूप से आपके इथरनेट पोर्ट से ही कनेक्ट होते हैं। इथरनेट पोर्ट के माध्यम से आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रयोग तो इसका सारे में होता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका होता है लैन में, क्योंकि लैन में आपको अगर इस प्रकार से कनेक्ट करना है तो आपको कम केबल की आवश्यकता पड़ती है। इथरनेट के बाद में अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द है WWW, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी से पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं WWW के बारे में तो यह एक सूचनाओं का ऐसा स्थान होता है जहां पर जो सूचनाएं होती हैं वह एक URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको विकिपीडिया से कुछ सूचना लेनी है तो आपको टाइप करना पड़ेगा www.wikipedia.org और उसके बाद में वहां पर जा करके उस पार्टिकुलर चीज़ को आप सर्च करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि जो हमारा WWW होता है यह सूचनाओं का स्थान होता है जहां पर सूचनाएं एक URL में होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग wikipedia.org ओपन करेंगे तो सीधे आप पहुंचेंगे विकिपीडिया के पेज पर, लेकिन अगर आपने यहां पर कोई जानकारी सर्च की और उसको ओपन किया तो आप देखेंगे कि wikipedia.org के बाद में स्लैश करके एक दूसरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो सभी हमारी सूचनाओं के लिए अलग अलग हमारे URL होते हैं और ये सारे हमारे हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं जिसके माध्यम से इंटरनेट पर इन चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यही आपका होता है WWW। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये आपको याद रखना है, और इसके माध्यम से भी हमारे कंप्यूटर संसाधनों से जुड़ते हैं। तो ये हमने बात की WWW के बारे में। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में, तो थोड़ा सा आइए डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। सबसे पहले आपको जो याद रखना है कि यह एक लिखित प्रोग्राम होता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की डेटा को चोरी कर सकता है। यानी कि आपके पास में एक आपने प्रोग्राम ऐसा बनाया कि इस प्रोग्राम को आपने भेज दिया दूसरे कंप्यूटर में, और दूसरे कंप्यूटर में जैसे ही इसको ओपन किया जाएगा जितनी भी जानकारियां होंगी वह आप एक्सेस कर पाएंगे। तो यही हमारे मुख्य रूप से होते हैं वायरस। वायरस के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर को क्षतिग्रस्त
किया जा सकता है। और इसके बहुत सारे रूप भी होते हैं, जैसे ट्रोजन हो गया, मालवेयर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंप्यूटर वायरस होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो हमारे कंप्यूटर वायरस होते हैं, ये हमारे जो वायरस होता है जिससे बीमारियां फैलती हैं, उनसे पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। कंप्यूटर वायरस के बाद में अगर हमने इसकी बात की है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना भी आवश्यक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस को ढूंढ करके समाप्त कर देता है, उसे हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे एंड्रॉयड की सारी मोबाइलें होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार के एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके मोबाइल में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो आप चाहें उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें विंडोज़ में पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लूटूथ के बारे में। तो ब्लूटूथ के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ हमारा एक ऐसी वायरलेस तकनीक होती है जिसके माध्यम से हम कम दूरी में डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। एक मोबाइल से एक कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए ब्लूटूथ का उपयोग कर सकते हैं, या कंप्यूटर से कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम दूरी के लिए होता है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास तकनीक है वह है वाईफाई। वाईफाई के बारे में बात करें तो यह भी हमारा एक वायरलेस नेटवर्क होता है जो कि रेडियो तरंगों के माध्यम से अधिक दूरी के लिए हाई स्पीड, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आप ये चला सकते हैं, साथ ही साथ नेटवर्क कनेक्शन भी स्थापित कर सकते हैं। तो वाईफाई और वाईफाई हॉटस्पॉट के बारे में आपको पता होगा, आप इसका अच्छे से यूज भी करते होंगे। सेरेट की अगर हम लोग बात करते हैं, या जो आप वाईफाई के माध्यम से दूसरे के मोबाइल से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं वाईफाई के अंतर्गत। वाईफाई के बाद में अब हम लोग बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल के बारे में बात करें तो यह भी एक प्रकार की कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होती है जिसके माध्यम से मुख्य काम इसका होता है कि जो भी हमारे डेटा पैकेट होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा TCP होता है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, वह क्या करता है, पैकेट को इकट्ठा करता है। तो जब हमारा IP एड्रेस के माध्यम से कोई पैकेट भेजा जाता है तो उस पैकेट का यह विश्लेषण करता है। और इसके अलावा जो भी हमारे आने जाने वाली किसी भी प्रकार की नेटवर्क का ट्रैफिक होता है, इनकी भी ये जाँच करता है। जांच करने का मतलब है फायरवॉल मुख्य रूप से देखता है कि कहीं आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का अवांछनीय प्रोग्राम तो नहीं आ रहा है, या किसी प्रकार का वायरस तो नहीं भेजा जा रहा है। यही कार्य करता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल के बाद में अब हम लोग एक आखिरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है ईमेल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। तो ईमेल के बारे में बात करें तो यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, या फिर हम लोग बात करें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक इलेक्ट्रॉनिक विधि से सूचना भेजने की एक तकनीक होती है। और ईमेल के बारे में आपको दो चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ईमेल अगर आपने देखा होगा, या जीमेल का जो आपके मोबाइल में फोल्डर होगा आपने उसको ओपन किया होगा, तो वहाँ पर आपको कंपोज मेल का ऑप्शन मिलता है, इनबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, आउटबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है, साथ ही साथ एक फोल्डर आपको वहाँ पर मिलता है स्पैम का। तो ये स्पैम फोल्डर किस लिए होता है? कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया या किसी जगह पर आपने एडमिशन लिया, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपनी ईमेल को देते हैं। अब वो जो कंपनियाँ होती हैं या जो वो हमारी विश्वविद्यालय होते हैं, वह आपकी ईमेल को वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपके डेटा को दूसरे कंपनियों को दे देते हैं। तो उन कंपनियों के द्वारा आपके पास में बहुत सारे एडवर्टाइज़ के पर्पज़ से मेल भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो एडवर्टाइज़ के पर्पज़ से मेल भेजे जाते हैं वे हमारे होते हैं स्पैम, वे आपके मिलेंगे स्पैम फोल्डर में। तो स्पैम फोल्डर में जो आपके मेल होते हैं वे हमारे अवांछित मेल होते हैं, जो कि हमारी बिना मर्जी के हमारे पास भेजे जाते हैं विज्ञापन के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार से एक हमारा होता है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? किसी निश्चित पते पर जब एक ही संदेश को बार बार भेजा जाए, ये भी एडवर्टाइजिंग के पर्पज़ से ही किया जाता है। होता क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी ने आपके पास में एक मेल भेजा, आपने उसको नहीं ओपन किया, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, हुआ तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक आप उसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया ईमेल। तो यहाँ से हमारी जो कहानी है वह समाप्त होती है। अब हम लोग प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि प्रसाद की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो हमारा पहला सवाल है यहाँ पर कि WWW के आविष्कारक कौन थे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि WWW के आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर WWW का अर्थ क्या है। तो WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है और ये क्या करता है, ये दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों से जोड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है किस प्रकार से। तो ब्लूटूथ की जो आपकी तकनीक होती है ये उपकरणों के बीच में वायरलेस यानी कि बिना वायर के डेटा के ट्रांसफ़र की अनुमति देती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी का शब्दावली नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइबर स्पेस, ये भी हमारे सूचना तकनीकी से जुड़ा हुआ है, अपलोड भी है, मॉडम भी है, लेकिन प्रकाशीय भंडारण नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा की नहीं है। तो लॉगिन आपका हो गया, मॉडेम हो गया, पासवर्ड हो गया, पिनाका आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि ये जो पिनाका लिखा हुआ है यह मुख्य रूप से है क्या। इसके बारे में आपके पास में जो जानकारी है वह आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विनोद जी से ये अपेक्षा करूँगा कि आप इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। और मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि विनोद सूदर के द्वारा जो भी कमेंट किए जाते हैं बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं, जो भी प्रश्न किए जाते हैं उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से वह एक्सप्लानेशन देते हैं। तो आपके पास में अगर मौका हो तो उनके कमेंट को भी ज़रूर पढ़ा करें। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में ये हमारे सारे आते हैं, प्रोटोकॉल, लॉगिन, आरथी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों के संघ कहलाते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो आपके नियमों के संघ होते हैं वह आपके होते हैं प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटोकॉलों का वह समूह जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है क्या कहलाता है। तो ये आपके था TCP और IP। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि साइबर ला की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है। तो डॉस इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इसका मतलब होता है डिनायल ऑफ द सर्विस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि जंक ईमेल को कहते हैं। तो जो आपके जंक ईमेल होते हैं या अवांछनीय मेल होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं स्पैम। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो स्पैम आपका संबंधित है कंप्यूटर से। अगला हमारा प्रश्न है कि याहू, गूगल और MSN क्या है। तो याहू, गूगल, MSN हमारी क्या है, ये एक इंटरनेट की साइट्स हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित पते पर किसी अब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गूगल द्वारा किस वेब ब्राउजर को विकसित किया गया था। तो ये विकसित हुआ था क्रोम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपेरा भी आपका है, विवाल्डी भी आपका एक वेब ब्राउजर होता है, मोजिला भी आपका होता है, लेकिन जो आपका गूगल ऐप्स होते हैं ये आपके वेब ब्राउजर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो यह मुख्य रूप से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस है क्या जो हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस मुख्य रूप से विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है। तो यह आपका बचाता है अनाधिकृत आक्रमण से, यानी कि अगर आपके पास में किसी भी प्रकार की अवांछनीय चीज़ें आपके कंप्यूटर में इंटर करना चाहती हैं तो उससे आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है फायरवॉल। अगला प्रश्न है कि एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण क्या होता है। तो ये आपका होता है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि लैन का तात्पर्य क्या होता है। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इथरनेट एक उदाहरण है किसका। तो इथरनेट मैंने आपको बताया कि इसका यूज होता है हालांकि सभी में, लेकिन यह उदाहरण है किसका, लैन का। लैन में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में हम लोग पहुंचते हैं HTTP, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। चलिए आपके लिए यहां पर एक प्रश्न है, आपको बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है और सबसे पहले इसको कब डेवलप किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि मॉडेम परिवर्तित करता है। तो मॉडेम मुख्य रूप से जो आपके होते हैं ये एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है किससे। तो ये जोड़ती है आपकी टेलीफोन लाइन व कंप्यूटर को। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसी संगठन की वेबसाइट में .com अगर लगा हुआ है तो यह क्या सूचित करता है। तो कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल। ऑप्शन यहां पर डी हमारा करेक्ट होगा। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu .us है तो यह क्या है। तो यह मुख्य रूप से एक हमारी USA की शैक्षणिक संस्था होगी। अगर किसी भी डोमेन में आपको .edu मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा .edu जो है यह जुड़ा हुआ है एजुकेशन से, और डॉट में US लगा हुआ है यानी कि USA। इसी प्रकार से .com .au लगा हुआ है तो ये आपका होता है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक वैलिड डोमेन नेम है। तो यहाँ पर .com .gov जो कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती है, .net होता है आपका, तो ये सारी हमारी वैलिड डोमेन नेम है। ऑप्शन यहाँ पर ABC करेक्ट होगा। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बृहद नेटवर्क को जोड़ता है। तो सबसे बृहद को जोड़ता है WAN। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है इस वीडियो को लेकर के तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।